अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कोल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। ये सीलिंग फ़ैन है मेरे पास, इसकी मोटर मैंने उतार के रखी हुई है जो कि चल नहीं रही, करंट बिल्कुल ले रही है। और बकायदा जब इसका बटन ऑन किया जाए तो ये आवाज़ भी देती है, और कैपेसिटर भी चेंज करके देखा तो चल नहीं रही। आपके सामने मैं दोबारा चेक करता हूँ कि ये करंट लेती है कि नहीं। आपके सामने बिल्कुल ये करंट ले रही है और चल नहीं रही, इसे चलना चाहिए। तो ये चल नहीं रही तो इसे चेक करेंगे ये करंट लेने के बावजूद क्यों नहीं चल रही। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसका जो कैपेसिटर है, हम ये कैपेसिटर इसका उतार देंगे। कैपेसिटर को हमने सबसे पहले तो डिस्चार्ज करना है कि कहीं चार्ज ना हो चुका हो। ये बिल्कुल चार्ज हो चुका था, इसके करंट पड़ने का भी ख़तरा था, हाथ लगाने से पहले इसे डिस्चार्ज करना लाजमी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने सीरीज बोर्ड लेना है एक। ये मेरे पास सीरीज बोर्ड है, ये चेक करें ज़रा। ठीक है, ये सीरीज बोर्ड है, ये सीरीज बोर्ड अपने पास होना लाजमी है, इसके साथ हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके साथ ये देखें कि बिल्कुल चार्ज नहीं हो रही। ये वाली लीड चल रही है और बाकी ये दूसरी लीड नहीं चल रही, ये वाली ब्लू वाली जो लीड है ये नहीं चल रही। तो हम इसे खोल के चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं चल रही। ठीक है, ये देखें रेड से ब्लैक ये चल रही है, और जो है रेड से ब्लू नहीं चल रही या ब्लैक से ब्लू नहीं चल रही। ये ब्लू वाली जो लीड है ये अपनी नहीं चल रही। तो हम इसे क्या करेंगे, मोटर को खोलेंगे, मोटर खोल के इसे चेक करेंगे कि क्या मसला है इसका। ठीक है, जल्दी से मोटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जला हुआ नज़र आ रहा है, ये कॉइल जो जला हुआ नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह देख सकें। ठीक है, ये यहाँ से ना आपको बिल्कुल यहाँ से देखे करीब से जला हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से शार्ट भी होगा। तो इसे दोबारा चेक कर लेते हैं और इसे ऐसा करेंगे कि इस कॉइल को हम यहाँ से निकाल देंगे या इसे ख़त्म कर देंगे, इसका और इसका कनेक्शन आपस में डायरेक्ट कर देंगे, ताकि ये यहाँ से शॉर्ट भी होगा और बचत हो जाए। एक तो शॉर्ट नहीं होगा और दूसरा कि ये कॉइल जल चुका हुआ है, तो उसे हम ज़ाया भी कर देंगे तो हमारा पंखा चलता रहेगा। चले बाकी की वर्किंग करते हैं।
ठीक है गाइस, ये यहाँ पे हमारा कनेक्शन प्रॉपर है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, अब यहाँ से ऊपर से लीडों से चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन प्रॉपर हो चुका हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि सीरीज बोर्ड को आपके थोड़ा सा करीब करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये सीरीज बोर्ड है और अब क्या करेंगे कि हम इसे यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारी तीनों लीडें चल चुकी हुई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी ये जो कनेक्शन है, ये सीधे आरजी तौर पे निकाले हुए थे, अब इसे हम परमानेंट कर देंगे, यहीं पे हम परमानेंट कर देंगे। और इस तरह की जो बड़ी जल चुकी हुई है, हम इस तरह की बड़ी हम एक नई डाल देंगे तो हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये मैंने कनेक्शन करके और बरियां भी इसकी जो है वो मैंने नई डाल दी हैं। ठीक है, यहाँ से ये जल चुका हुआ था, अभी थोड़ा सा है इसका, लेकिन मैंने ये अंदर वाली तो नहीं डाल सकते, लेकिन बाहर वाली मैंने दोनों ही नई डाल दी हैं और कनेक्शन दोबारा मैंने कर दिया है। अब ऐसा करते हैं कि इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, हमारा काम प्रॉपर हो चुका हुआ। हम इसे फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद चला के चेक करते हैं दोबारा। इसके साथ ये जो टाई भी एक लगा देते हैं ताकि ये बाहर से अगर खींचा लगे तो ये कोई मसला ना करे। जैसे ही जेन्युइन काम हुआ होता वैसे ही इसका काम प्रॉपर कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसे फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ठीक है गाइस, ये मैं फिटिंग कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसे कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर लगा के हम इसे चला के चेक कर लेते हैं। इसका कनेक्शन ये है कि इसमें रेड कलर की फ़िलहाल जो है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी अपनी तरफ से लगाई होती है, रेड कलर जो है हमारी स्टार्टिंग है और ब्लू कलर की जो है ये हमारी रनिंग है। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो हमारी स्टार्टिंग है हमने इसे मुकम्मल कवर कर देना है, इसे हमने ऐसे नहीं छोड़ना, मुकम्मल कवर कर देना है। ठीक है, जो आप ब्लू वायर है ये हमारी रनिंग की वायर है, यहाँ पे हमने एक वायर हमने यहाँ पे लगानी है और जो कॉमन वायर है एक वायर हमने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये आपके सामने है बिल्कुल और हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर हो चुका हुआ है। ठीक है गाइस, आपको मेरा काम कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।